आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, सर्कुलर नंबर 187, जो कि किसी की समझ में नहीं आ रहा ये आईबीसी क्या होता है। सर मेरी भी समझ में नहीं आता, ठीक है, तो इसलिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाया है कशिश गुप्ता जी को। सर आप जरा ये बताइए, सर्कुलर आया किस लिए, किन लोगों को ये फायदेमंद होगा, किन लोगों को नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर सबसे पहले शुक्रिया मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए। और जो ये आईबीसी है, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अगर किसी का दिवालिया, कोई दिवालिया घोषित हो जाए तो। जी जी, तो इसकी मैं ब्रीफ हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ा, क्योंकि इश्यू बड़ा छोटा है पर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो मैं इसको स्टार्टिंग से बताता हूँ। आपने सुना होगा पहले कंपनीज की इंसॉल्वेंसी के लिए होता था बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जी BIFR, ठीक है। अगर कोई सिक कंपनी डिक्लेयर होती थी, ठीक है, तो वो BIFR में डिक्लेयर होती थी, ठीक है। तो उसके बाद उसकी रिहैबिलिटेशन स्कीम बनती थी, ठीक है, जिसमें उसको रिवाइवल कैसे किया जाए इस पर चर्चा की जाती थी, राइट, ठीक है। हो कह रहा था कि उस में कोई समाधान निकल नहीं पा रहा था, ठीक है। एक तरह से बैंक सरफासी एक्ट में ड्यूज की रिकवरी इनिशिएट करते थे, दूसरी तरफ से कंपनी सिक कंपनी डिक्लेयर हो जाती थी, ठीक है। रिहैबिलिटेशन स्कीम बनने में भी सालों लग जाते थे, तो ये एक टाइम बाउंड प्रोविजंस थी नहीं, ठीक है। तो 1 दिसंबर 2016 से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टसी कोड आ गया, ठीक है। तो इस कोड में बोला गया कि इसका एक ये सबसे फायदा हुआ कि इसमें टाइम बाउंड मैनर में सब हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 270 डेज का टाइम है, ठीक है, CIRP प्रोसीडिंग्स का, ठीक है। इतने टाइम में आपकी लिक्विडेशन जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल को भी अप्लाई करता है, ये कंपनीज को भी अप्लाई करता है। तो हम बात करते हैं कंपनीज की पहले, ठीक है। इंडिविजुअल की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि पेरिमेटेरिया प्रोविजंस होती हैं, मोर और लेस सेम होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी ने NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, उसमें पेटिशन फाइल किया कि मुझे लिक्विडेट कर दिया जाए और मेरे एसेट्स को सेल आउट कर दिया जाए, ठीक है, या मुझे एज ए गोइंग कंसर्न सेल कर दिया जाए, ठीक है। ये एप्लीकेशन कोई क्रेडिटर भी डाल सकता है, कोई बैंक भी डाल सकता है, ठीक है। तो कंपनी को इसमें हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है। तो जब वो हियरिंग होती है तो अगर लगता है कि यस इट इज ए वैलिड ग्राउंड जिसपे इस कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए, तो वो बोलते हैं कि अब आपका मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब है कि आपकी CIRP प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो वो मोरेटोरियम पीरियड एक्सटेंशन को इंक्लूड करके 270 डेज का होता है, ठीक है। उस मोरेटोरियम पीरियड में होता क्या कि जितनी भी पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स है वो स्टे हो जाती हैं, उसका कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर में क्लैरिफाई किया है कि अगर कोई मोरेटोरियम पीरियड में है भी, डिपार्टमेंट उसकी ऑडिट कर सकता है, असेसमेंट ऑर्डर दे सकता है, उसके ड्यूज डिटरमिन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि एक डेप्ट की रिकवरी है, ठीक है, तो हर किसी की का राइट है कि अपने डेप्ट डिटरमिन करो, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही असेसमेंट ऑर्डर आया, अब मान लो डिपार्टमेंट ने ड्यूज कैलकुलेट कर दिए 1 CR, ठीक है, या ऑलरेडी कोई मेरे पुराने ड्यूज है, मान लो अगर मैं 10 करोड़ की डिमांड को लेकर सेस्टेट में आर्ग्यू कर रहा हूँ मैटर को, वैट ट्रिब्यूनल में कर रहा हूँ, या मेरी कोई रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये जितने भी ड्यूज हैं अब मेरे को कोई कुछ नहीं टच कर सकता, मुझे इम्यूनिटी मिल गई है, मोरेटोरियम पीरियड मेरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इस ड्यूज को जो एक लिक्विडेटर पॉइंट हुआ है, इस सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उनको लिख के भेजेंगे, ठीक है। आईबीसी का सबसे मेन जो कैची पॉइंट है वो यही है कि गवर्नमेंट ड्यूज को एट पार कर दिया गया है अदर ड्यूज पे, ठीक है। प्रायोरिटी मिलेगी बैंक वालों को, ठीक है, फिर बाकी ऑर्डर में इनके ड्यूज को सेटल होंगे, ठीक है। तो जो ये ऑपरेशनल डेप्ट बोला जाता है इन्हें, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन उसी के अंदर होगी। तो जैसे ही क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बोलते हैं COC, ठीक है, तो उस मीटिंग में लिखा जाता है कि इतने इतने हमारे ड्यूज हैं, इतने गवर्नमेंट के ड्यूज हैं, ठीक है। और उसकी सबकी कैलकुलेशन करके मान लो आ गया कि 500 करोड़ पे इस कंपनी को पे करना है, ठीक है। फिर देखते हैं कि कितने एसेट्स है, लैंड है, डेटर्स हैं, ये सब कुछ है, और वो उसकी गणना कर ली कि 200 करोड़ है, ठीक है। तो सबको बस इस रेशो में पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट के ड्यूज 10 करोड़ है तो उम्मीद है कि उसको 4 करोड़ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और जो ये पैसा मिला ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब मुझे कुछ नहीं देना डिपार्टमेंट को,
अगर कपिल जी ने वो कंपनी खरीद ली तो डिपार्टमेंट कपिल जी से भी नहीं मांग सकता, वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो इसमें वही लिखा है कि अगर क्या वो जीएसटी ड्यूज या एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स इनएक्टमेंट के ड्यूज है, क्या वो सेटल्ड माने जाएंगे? तो उन्होंने लिखा कि सेक्शन 84 कहता है कि अदर प्रोसीडिंग्स है ना जहाँ पे वो ड्यूज रिड्यूस हो गए हैं, कि अगर वो अपील में रिड्यूस हुए हैं या रिविजन में हुए हैं, अदर प्रोसीडिंग में रिड्यूस हुए हैं तो वो रिड्यूस्ड है। तो ने कहा कि उस अदर प्रोसीडिंग में आईबीसी की प्रोसीडिंग भी इंक्लूड होगी, ठीक है। और अगर कोई रिकवरी चल रही है तो कमिश्नर इंटीमेशन दे देगा रिकवरी ऑफिसर को कि भैया हमारे तो पैसे पूरे आ गए हैं, आगे से परेशान ना किया जाए, ना किया जाए। इसलिए रूल 161 में जो वर्ड ऑर्डर था उसको काट के इंटीमेशन कर दिया गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जो आईबीसी की प्रोसीडिंग में चल रहा है और उस पर जीएसटी की लायबिलिटी है 10 करोड़, लेकिन वहां पर सेटलमेंट हो गया, चाहे सर्विस टैक्स की है चाहे किसी की भी है, किसी की भी है, वो कंपनी मैंने खरीद ली और उस कंपनी की जो गवर्नमेंट ड्यूज थे वो 10 करोड़ थे, लेकिन आईबीसी की प्रोसीडिंग में बोल दिया 2 करोड़ मिलेंगे, तो वो 10 की जगह कुछ भी नहीं मिलेगा, या कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी रेशियो होगा, तो वो वहां पर प्रोसीडिंग खत्म मानी जाएगी, उसके बाद आप कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलाएंगे, यही इस सर्कुलर में लिखा हुआ है। बस इसमें एक इश्यू है जो अभी कंटेस्ट करने लायक है, जिसको मैं एक केस में कर भी रहा हूँ जी। सर्विसेज टैक्स में था कि अगर 50 लाख से ऊपर है तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है, जीएसटी में कि 5 करोड़ है तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस केस में होता है कि मान लो कपिल जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, सर्विसेज टैक्स है तो इनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर दिया कि आपने तो टैक्स को इवेड किया, ठीक है, ठीक है ना, या जीएसटी में इनको अरेस्ट करके ले गए, ठीक है, राइट, और वो सेटलमेंट होगी ड्यूज की। तो आईबीसी में ना एक सेक्शन 32A है, उसमें लिखा है कि डेप्ट के लिए रिगार्डिंग जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उस पे कंपनी को तो फुल इम्यूनिटी है, ठीक है, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर को कोई इम्यूनिटी नहीं है, पुराने वालों को ना जो उस टाइम पे थे, हाँ जो उस टाइम पे थे उन्हें, जिनके टाइम पे वो हुआ, ठीक है। तो सर आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि ये सर्कुलर क्या कहता है, हालांकि बहुत लोगों की इसकी जानकारी नहीं है, बहुत लोगों के यूज में नहीं है, लेकिन हमने सर को बुलाकर इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है, हालांकि थोड़ा बहुत हमने अपनी मैगजीन में भी इसे क्लैरिफाई कर दिया था, लेकिन डिटेल में आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट डालकर हमें बताइए क्या इस सर्कुलर पर आपने कोई और वीडियो देखी। आंसर इज नो, क्योंकि इस वाले टॉपिक पे बहुत कम वीडियो मिलती है आपको, लेकिन हमारा केजे क्लासेस का यूट्यूब चैनल कशिश गुप्ता सर का ऋणी रहेगा कि सर हम आपको बुलाकर इस तरह के टॉपिक्स पर भी वीडियो बनवा लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।